अभी आपको बताते हैं, सेनेटर रहमान मलिक के नमाज़े जनाजा की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, रहमान मलिक के नमाज़े जनाजा की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं और उन्हें कुछ देर बाद कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनके जस्ते खाकी को इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं, सेनेटर रहमान मलिक के नमाज़े जनाजा की तैयारियाँ इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। उनके जस्ते खाकी को तदफीन के लिए कुछ ही देर बाद कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सेनेटर रहमान मलिक के घर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। ताहम सेनेटर रहमान मलिक की नमाज़े जनाजा की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और उनके जस्ते खाकी को कब्रिस्तान में पहुंचाया जाएगा कुछ देर बाद। आपको बताते चलें कि रहमान मलिक के घर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि रहमान मलिक के नमाज़े जनाजा की तैयारियां भी इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं कि सेनेटर रहमान मलिक के नमाज़े जनाजा की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और अब से कुछ देर बाद उन्हें H8 के कब्रिस्तान में तदफीन के लिए ले जाया जाएगा। रहमान मलिक के नमाज़े जनाजा की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो गई हैं, अब से कुछ देर बाद उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जाएगा। शाकिर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, शाकिर अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, नमाज जनाजा जो है रहमान मलिक सादिक हुसैन दाखला की इस वक्त अदा की जा रही है, जिसमें सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा आम शहरी और हर मुक्तबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा जो है वो कुछ ही देर पहले ही यहाँ पर जो है वो जनाजा का मुंतकिल किया गया था रहमान मलिक की रिहाइशगाह से, और अब जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इसके बाद जो है वो कुछ ही देर में उनकी जो तस्फीन का अमल है वो शुरू हो जाएगा। रहमान मलिक की जो डेथ कल उनकी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद जो है आज उनकी तदफीन की जा रही है, क्योंकि उनके कुछ जो रिश्तेदार थे वो बैरून मुल्क थे, जिनकी वजह से उनकी तदफीन में ताखीर हुई थी, और तो आज जो है वो उनकी कुछ ही देर में तदफीन कर दी जाएगी। अभी नमाज जनाजा की जो अदायगी है वो मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ही देर में जो जनाजा है वो तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। जी शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, रहमान मलिक की नमाज़े जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये भी कहिएगा कि सियासी और समाजी शख्सियात कौन कौन सी यहां पर मौजूद हैं। देखें, चेयरमैन सेनेट वफाकी वजीर शिबली फराज, इसके अलावा वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, इसके अलावा दीगर जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी, इसके अलावा दीगर जो पीपल्स पार्टी के अहम रनमा हैं वो जनाजागाह में शरीक हैं, और रहमान मलिक क्योंकि काफ़ी करीबी ताल्लुक रखते थे हर पार्टी के लोगों से, उनका ज़ाती ताल्लुक भी था, तो सियासी समाजी और स्पेशली जो शहरों की तादाद जो है वो इस वक्त जनाजागाह में मौजूद है, जो रहमान मलिक के जनाजे में उन्होंने शिरकत की। और इसके अलावा सियासी जमातों के में से तमाम तैयार सियासी जमातों के जो उनकी नुमाइंदगी है वो यहाँ पर मौजूद है। चेयरमैन सेनेट यहाँ पर आयश, इसके अलावा फाकी वजीर शिबली फराज, इसके अलावा गुलाम सरवर खान, इरफान सिद्दीकी, जमात इस्लामी से मियाँ असलम, पीपल्स पार्टी के नई सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी और दीगर रहनुमा भी जनाजे में मौजूद थे। जी, सेनेटर रहमान मलिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सेनेटर रहमान मलिक की नमाज जनाजा H8 कब्रिस्तान में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।